चलो भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड गाइस, अब तो और बढ़िया फील करने वाले हो। यहाँ पर डेट रिवील हो चुके हैं, फिलहाल के सब कुछ बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना आखिर तक। आपको जो भी प्राइसेस जानना है या फिर सेल के रिलेटेड या फिर कोई भी, तो कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। सो लेट्स बिगिन, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे गाइस यहाँ पर सेल से। तो अमेजोन ने भी रिवील कर दिया है प्राइस और फ्लिपकार्ट ने भी रिवील कर दिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ, फोन में देखोगे तो अपडेट दिख जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको दिख जाता है। और यहाँ पता नहीं लोगों ने क्या कर रखा है, जो भी है। बट अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। तो अपना अमेजिंग चीज ये है कि सेल स्टार्ट होने वाला है, आपको बता दूं, 8 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। आप अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देखो, सेल स्टार्ट 8 अक्टूबर अमेजोन पर लिखा हुआ आ रहा है, पावर्ड बाय सैमसंग गैलेक्सी S23। एंड काफी गजब की बात यह है कि मैं आपको जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, कि जिसके पास भाई पहले से बता दूं प्राइम और प्लस मेंबर है, मतलब अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप अगर आपने ले रखा है, नहीं ले रखा तो भी बता दूंगा कैसे ले सकते हो। एंड प्लस अगर लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट का, तो अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का प्लस है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास फ्लिपकार्ट का प्लस है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये प्लस आप तभी ले सकते हो जो आपने 4 ऑर्डर किए होंगे साल भर में। अगर आप 8 ऑर्डर कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे, काफ़ी गजब की चीज़ें रहेगी आपको प्राइम। अगर आपने 8 ऑर्डर किए होंगे तो आपको मिल जाएगा प्रीमियम प्लस, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो, आलिया भट्ट आ चुके हैं, सेल डेट रिवील स्टार्ट 8 अक्टूबर, यहाँ भी अपडेट हो चुका है फिलहाल वेबसाइट में, जैसे कि मैंने रिफ्रेश करके देख लिया, वन डे अर्ली एक्सेस फॉर प्लस मेंबर। तो अगर आपके पास प्लस मेंबर है तो आप एक्सेस कर सकते हो पहले, और ये काफ़ी गजब की बात है। फिलहाल मैं प्राइस की बात करूँ, और काफ़ी गजब की, बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि 0 आवर सेल क्या होता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे भाई आईफोन 12 किसमें आएगा, मैंने आज सुबह बहुत सारे कमेंट देखे मेरे वीडियो में। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आईफोन 12 जो है वो आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पे जाते हो तो इस जी जो लिखा हुआ है ना, द बिग बिलियन डेज के नीचे इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले अपडेटेड था, यहाँ पर अपडेट हुआ था क्या क्या फ़ोन इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। एंड मैं आपको बता दूँ, 13 मिनी भी इस बार आपको फ्लिपकार्ट देखने को मिलेगा। किसी को अगर 13 मिनी बाय करना है, मतलब आईफोन 13 मिनी, तो बाय कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप देखते हो डेट रिवील हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं एप्पल के प्राइस कब रिवील होगा। अगर आपको बताऊँ तो सबसे बढ़िया, अगर आपको सब कुछ जानना है डिटेल में, तो अपने फ़ोन में चेकआउट करो, वेबसाइट में उतने अच्छे से पता नहीं चलता है, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट में पता नहीं क्या कर रखा होता है। बट फोन में मैंने देखा, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल मिल रही थी। आज शाम में, डेली शाम में 0 आवर सेल भी होता है, और 0 आवर सेल क्या होता है अगर उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर बना दूंगा वीडियो, 0 आवर सेल कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं काफ़ी गजब की चीज़ की, अमेज़ॉन के बारे में। अगर किसी को इस बार अमेज़ॉन पे बाय करना है, तो अगर इस बार देखो 13 भाई फिर से बिगेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन होने वाला है इस बार, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, अगर आप 13 के लिए जाना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन पे जा सकते हो, क्योंकि अमेज़ॉन पे 13 मिलने वाला है इस बार, पहले बता दे रहा हूँ सबको। एंड मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता भी दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिनके लिए प्राइम रहेगा उनके पास पहले से ही उनको एक्सेस मिल जाएगा सेल का। इसमें प्राइम मेंबर क्या मिलेगा, SBI पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छी बात है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। अब बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि भाई डेबिट कार्ड पे, हर एक डेबिट कार्ड पे क्या EMI ले सकते हैं। मैं बता दूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट पे अवेलेबल रहता है, बट सेल के टाइम वो मुमकिन नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलता है। एंड फ्लिपकार्ट पे अगर बात करूँ, तो आपको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक पे आपको डिस्काउंट मिलते हैं। पिछले बार आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला था ICICI बैंक पे, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक प्राइम नहीं ले रखा तो ले लो, अगर लेना चाहते हो तो, क्योंकि देखो एक दिन बाद प्राइस बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट बढ़ ही जाता है थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ही लोगों को बुझाने लग जाता है कि हाँ भाई इतना ख़राब समय आ चुका है, तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा मायने रखती है, आपको अगर प्राइम लेना तो ले लो तो अच्छा रहेगा, या कल तक में आ जाएगी फ्री में प्राइम और फ्री में प्लस मेंबर कैसे लेते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ, आईफोन 13 इस बार मिलने वाला है आपको अमेज़न पे। तो एप्पल का आईफोन 14 इस बार देखो 62,000 का अभी है, बट इफेक्टिव प्राइस क्या होगा वो पता नहीं है अभी तो, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इस बार इस पर भी करने वाले हैं डिस्काउंट। एंड आईफोन 13 और आईफोन 14 के साथ 15 पे भी इस बार डिस्काउंट मिल रहा है भाई आपको, काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार आपको 15 पे डिस्काउंट मिल रहा है। थोड़ा सा ही मिलेगा, क्योंकि 15 अभी नया नया फ़ोन है, तो उस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला आपको, थोड़ा सा ही मिलेगा, बट हम मिल जाएगा ज़रूर, ये चीज़ याद रखना। अब देखो भाई, आपके मन में जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कि मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। फिलहाल आपके मन में कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आपको। एंड भाई, कार्ड वर्ड रेडी रख लो, सेल जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ज़्यादा नहीं बस एक हफ्ते बचे हैं, मैं बोलूँगा स्टार्ट रहो भाई, रेडी रहो अपने सेल वगैरह में अगर कुछ लेना चाहते हो तो। मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मिलती रहती है।
टेक केयर एंड सायोनारा।